आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है यशदेव मलिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे स्वीडन ने अपना टूरिस्ट वीज़ा विंडो को इंडिया के अंदर रिज्यूम कर दिया है। जी, लॉन्ग टर्म नहीं या वर्क या स्टडी नहीं, टूरिस्ट भी अब ओपन हो चुका है। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा, शॉर्ट स्टे वीज़ा जाना चाह रहे थे स्वीडन के लिए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको समझनी होंगी। तो अगर आप नए दर्शक हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वीडियो के एंड में उसे कमेंट कर सकते हैं। स्वीडन जो है उन्होंने काफ़ी दिन पहले, मतलब 4 या 5 दिन हो गए हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ठीक है, वी आर ओपनिंग अप। अब इसका वेरीफाई करने में हमें थोड़ा सा टाइम भी लगा, तो हमने देखा कि स्वीडन ने पहले ही, काफ़ी पहले ही, 15 दिन हो गए इस बातों को कि उन्होंने कोविशील्ड को अप्रूव कर दिया था। अब कोविशील्ड वहाँ पे अप्रूव्ड है, तो कोवैक्सीन वाले ट्रैवलर्स क्या जा सकते हैं? एज ऑफ नाउ नहीं जा सकते, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। कोवैक्सीन भी बहुत जल्द अप्रूव होने वाली है, यकीन मानिए। कोविशील्ड अगर आपने लगवाई हुई है तो डेफिनेटली आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। VFS के लिंक में जाके आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बिल्कुल वही है जो लास्ट वीडियो में बेल्जियम के लिए मैंने आपको समझाया था, आपके स्क्रीन पे लिंक आ रहा होगा वो। पहले अगर आपको नहीं पता किस तरीके से प्रोसेस करना है तो बेल्जियम की लास्ट वीडियो देख के आप फिर वही चीज़ स्वीडन में भी कर सकते हैं और अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कोविशील्ड की दोनों डोसेज होनी चाहिए अराइवल से पहले, वो मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होगी। आपको यहाँ इंडिया से ही इमिग्रेशन जो है पास नहीं होएगा, 1% हो भी जाता है तो वहाँ पर तो डेफिनेटली आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसलिए दोनों डोसेज कंप्लीट करके ही जाएं। स्वीडन का भी बाकी शेंगन एरिया की तरह वही प्रोसेस है जैसे कि बाकी शेंगन कंट्रीज़ का है, जैसे 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट, 2 से 3 साल की ITR कंप्यूटेशन है तो उसको भी अटैच कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ जो भी काम करते हैं उसका प्रूफ लगा सकते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, आपकी आइटनरी, होटल वाउचर्स और एयर टिकट्स और साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस और कोविशील्ड के दोनों सर्टिफिकेट्स, ये पूरी फाइलिंग में आप अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या स्वीडन के लिए हमें कन्फर्म बुकिंग दिखानी होगी। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कन्फर्म बुकिंग दिखानी है। आप जो भी बुकिंग दिखाते हैं उसे होल्ड करके PNR कॉपी बना के भी उसे अटैच कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता PNR कॉपी कैसे बनाई जाती है तो जो भी एयरलाइंस की आप टिकट देख रहे हैं ऑनलाइन, सिंपली उस एयरलाइंस को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझे वीज़ा पर्पज़ के लिए PNR कॉपी सेंड कर दीजिए, या फिर जो भी आपके ट्रैवल एजेंट हैं जिनसे आप रेगुलर काम कराते हैं वो आपके बिहाफ पे भी ये चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे होटल बुकिंग की बात अगर हम करें तो होटल आपके कंफर्म होने चाहिए, हमारा पर्सनल सजेशन रहता है आपको। और सबसे अच्छी बात होटल्स की ये होती है कि वो आपसे कोई चार्ज नहीं करते, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप शुरू में रिजर्व करा सकते हैं और वीज़ा अप्रूवल के बाद उनको पेमेंट दे सकते हैं। शुरू में रिजर्व भी क्रेडिट कार्ड में हो जाते हैं और काफ़ी सारे होटल्स ऐसे हैं जो कोई भी पेनल्टी रेज नहीं करते जस्ट इन केस रिफ्यूज़ हो जाए। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपका वीज़ा अप्रूव ही हो जाए। वो अप्रूव कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंट में अपना जो पर्याप्त बैलेंस है, एडिक्वेट बैलेंस है, उसको मेंटेन करके रखें। लास्ट मोमेंट पे कोई बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन्स ना करें जिसको आप जस्टिफाई ना कर पाएं। सैलरीज जिस अकाउंट में आ रही हैं उसकी स्टेटमेंट को ज़रूर रखें। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैवलर्स ऐसे हैं कि सैलरी अकाउंट डिफरेंट है और उनका पर्सनल अकाउंट डिफरेंट है, उस सिनारियों में उनको दोनों के दोनों अकाउंट स्टेटमेंट रखनी चाहिए। ITR में भी ये चीज़ें आपकी मेंशन होनी चाहिए कि आप क्या काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो वो मेंशन होना चाहिए, आप जॉब करते हैं तो वो मेंशन होना चाहिए। अपनी कंपनी से NOC लगाएं, प्रॉपर उसमें डेट्स वगैरह लिखें, NOC कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियोज़ हैं जो आप इस चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा कवर लेटर अपना अच्छे से बनाएं। कवर लेटर एक तरह से एक इंट्रोडक्शन होता है आपका, आपके केस का इंट्रोडक्शन है कि आप वीज़ा काउंसलर को कॉन्टैक्ट करके ये कह रहे हैं कि मुझे वीज़ा चाहिए और उसकी सारी डिटेल्स आप उसमें मेंशन कर देते हैं। बहुत आसानी से इसे बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कवर लेटर पे भी एक ट्यूटोरियल वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ट्रैवल आइटनरीज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं कि कितने दिन का ट्रैवल रखा जाए। बेसिकली स्वीडन को लेकर नहीं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्विट्जरलैंड और आइसलैंड को लेकर आ रहे हैं। तो जो मैंने स्विट्जरलैंड और आइसलैंड के लिए रिप्लाई किया है वही मैं आप स्वीडन के लिए भी रिप्लाई करूंगा। आप स्वीडन के लिए कोई भी अगर आप टूर करें शेंगेन का तो आप 10, 12, 14, 15 दिन का आराम से दिखा सकते हैं। आपके पास बस उतना बैलेंस ज़रूर होना चाहिए जस्ट इन केस। बैलेंस अगर आप उतना मेंटेन करके चलते हैं तो ही आपके एप्लीकेशन को अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। मेरी सजेशन रहेगी कि शॉर्ट ट्रिप को अभी अवॉइड करें, यानी पहले 4 से 5 दिन की आइटनरी दिखा देते थे आप लोग, अभी उसको अवॉइड करें, थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिप अपना दिखाएं। चांसेस ये हैं कि ऑलरेडी स्वीडन हो या स्विट्जरलैंड हो या आइसलैंड हो या कोई भी हो, ये आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा ही देंगे। चांसेस ये है कि आपको वीज़ा जो पहले हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का मिलता था, वो हो सकता है आपको 3 महीने, 6 महीने या साल साल तक का मिल जाए। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या कहती है।
इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको वीज़ा मिल जाना चाहिए। स्वीडन के हर जगह के काउंसलेट ओपन नहीं है, हो सकता है आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के काउंसलेट में अपॉइंटमेंट्स इस वक्त एज ऑफ नाउ जो हमने आज चेक करी 21 जुलाई को तो नहीं आ रही है। मुंबई में अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, हैदराबाद में आ रही है, बेंगलोर में आ रही हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में दिल्ली में चंडीगढ़ में आना शुरू हो जाए। तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि आप अपॉइंटमेंट बुक तो कर रहे हैं, वहाँ पर जाने के लिए आराम से अपना पहले से अरेंजमेंट भी करें। जैसे मान लीजिए आपने 21 तारीख की जैसे अगर आज की बात करें तो आपने देखा कि कोलकाता की अपॉइंटमेंट आ रही है, बेंगलोर की आ रही है, लेट से आपने 1st ऑफ अगस्त की बेंगलोर की अपॉइंटमेंट कर दी और आप सुबह की फ्लाइट पकड़ रहे हैं, तो ऐसी गलती ना करें। जिस दिन की अपॉइंटमेंट अगर आउट ऑफ स्टेशन आप पकड़ रहे हैं तो एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाएं ताकि अपॉइंटमेंट में आप डिले ना हो। साथ में वहाँ पे कोई आरटीपीसीआर टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपकी दोनों डोजेज हो गई हैं तो, वहाँ पे वो आपका थर्मल स्कैनिंग और थोड़ा टेम्परेचर चेक करेंगे, दैट्स ऑल। और इसके अलावा अगर आपकी दोनों डोसेज हो गई हैं तो मेक श्योर आप उसका सर्टिफिकेट जरूर कैरी करें और उन सर्टिफिकेट्स को फाइलिंग में भी आप लगा सकते हैं, वो एडिशनल एडवांटेज ही होगा। ट्रैवल से पहले हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि अपने कोविड सर्टिफिकेट्स को, वैक्सीनेशन को आप अपने पासपोर्ट में भी इंटीग्रेट करवाएं ताकि पासपोर्ट पे वो रिकॉर्ड आपका शो हो सके और आपको बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी डिटेल्स हैं, जैसे हम हर वीडियो के एंड में मैं बोलता हूँ कि काफ़ी सारी कंट्रीज ओपन हो रही हैं, काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, चेक करके प्रॉपरली अच्छी तरीके से उसको क्रॉस चेक करके हम वो डिटेल्स, वो रिलेवेंट डिटेल्स आप तक लाते रहेंगे। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।